बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या किया जाए? वैक्सीनेशन एक रास्ता है, लेकिन ये राह फिलहाल कठिन दिखती है। देश के 30 करोड़ बच्चों में कम से कम 18 करोड़ बच्चे आने वाले वक्त में चपेट में होंगे। अमेरिका में कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें भी 22% बच्चे हैं। अमेरिका पहला ऐसा देश है जहां 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कितना बड़ा है, ये दूसरी लहर से ही दिख रहा है। ऐसे में तीसरी लहर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन बच्चों पर इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी के साथ साथ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश इस पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने तो पिछले हफ्ते तक 12 से 15 साल के 6 लाख बच्चों को टीका लगा भी दिया है। इस एज ग्रुप के टीकाकरण के लिए अमेरिका ने हाल ही में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को ट्रायल के बाद मंजूरी दी थी। अमेरिका में 16 साल से ऊपर के उम्र के लिए टीकाकरण दिसंबर से ही चल रहा है। अब तक वहां 17 साल से कम उम्र के 40 लाख बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने और उनका टीकाकरण शुरू करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों के लिए वो वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। अमेरिका में अनुमान ये है कि 2021 के अंत तक उन्हें वैक्सीन सेफ्टी पर पर्याप्त आंकड़े मिल जाएंगे, जिससे अमेरिका में किसी भी उम्र के बच्चे का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन का 5 से 12 साल के बच्चों का ट्रायल का डेटा जुलाई तक और 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल डेटा सितंबर तक आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि सितंबर के बाद से हर उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक ये माना जाता था कि कोरोना संक्रमण का बच्चों पर ज्यादा खतरा नहीं होता। संक्रमण होने पर भी ज्यादातर बच्चों में बहुत हल्के लक्षण होते हैं या फिर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से वायरस अपना रूप बदल रहा है, उससे बच्चों पर खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरी दुनिया सतर्क है। अमेरिका के अलावा कनाडा, सिंगापुर, यूएई जैसे देश हैं जो 12 से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। ब्रिटेन में भी ये बातें हो रही हैं कि क्या बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। यूरोप के बाकी देशों में भी जून से बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारत में भी बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। ये कदम उठाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि नए रूप में कोरोना कितना खतरनाक होगा ये कहा नहीं जा सकता। सिंगापुर जैसे देश पहले ही आशंका जता चुके हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं और इसकी चपेट में अब बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए इस पर सावधान रहना जरूरी है। भारत में तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई गई है और जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उन पर खतरा बना ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।